देखने के बहुत ज्यादा। देखिए मेरा करियर शुरू हुआ था विनोद चोरा असिस्टेंट था, पहली फिल्म थी विनोद की सजाए मौत, उसमें मैं झाड़ू भी लगाता था, प्रोडक्शन भी करता था, मैंने मेन मॉडल मतलब मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग ही है बिकॉज मैं तो विनोद चोपड़ा की पहली फिल्म में असिस्टेंट था, तो मैं झाड़ू भी लगाता था, प्रोडक्शन असिस्टेंट भी था, मेन विलन की डब। अरे यार तो तुम लोग साइलेंस वायलेंस कर, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज मैं पहली फिल्म जो विनोद की थी सजाए मौत, उसमें असिस्टेंट था, वो मेरी पहली फिल्म थी, पहली बार मैं सेट पर विनोद चोपड़ा की फिल्म में आया था, मैं उस फिल्म में झाड़ू भी लगाता था, मेन विलन की डबिंग भी करी थी, असिस्टेंट एडिटर भी था, तो वो स्कूल था मेरा एक तरह से। तो तब से विनोद बोलता था कि मैं एक हॉलीवुड में एक ज़रूर फिल्म बनाऊंगा, और आज जब उसका सपना पूरा हुआ तो आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे मैं अंदर की बात और बताऊं कि मैं फिल्म देख चुका हूं और बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत एक्साइटिंग है, ब्रिलियंटली शॉट। विनोद का जो परिंदा से लूजली कनेक्टेड फिल्म है, लेकिन एक नई फिल्म है और परिंदा से बेहतर है, जो कि मुश्किल काम है, मुझे बहुत 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 अच्छी लगी थी। एंड ऑल द बेस्ट टू विनोद फॉर आई होप इट वर्क्स वेरी वेल व्हेन इट्स इंटेंडेड टू बी शोन, एंड आई होप इट सक्सीड्स अ लॉट इन आउटसाइड द डायस्पोरा, हिंदुस्तान के बाहर बहुत चले, बहुत कामयाबी मिले, वेरी होप। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के हर चेकोस्लोवाकियन डायरेक्टर्स हॉलीवुड स्टार्स के साथ बनाते हैं, पोलिश डायरेक्टर्स बनाते हैं, चाइनीज डायरेक्टर्स बनाते हैं, तो एक बार हिंदुस्तानी हमारे शेखर दोस्त हैं, मीरा नायर हिंदुस्तानी हैं, तो ऐसे ही एक उस कड़ी में विनोद चोपड़ा जुड़े और बहुत बहुत कामयाब होंगे, बिकॉज ही इज़ एज गुड एज द बेस्ट, टेक्निकली सुपर्ब और बहुत बहुत स्किल्ड फिल्म मेकर हैं विनोद, जो अब ज़्यादा कुछ हाल में उन्होंने फिल्में ज़्यादा प्रोड्यूस की हैं, लेकिन अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे, और खामोश फॉर इंस्टेंस इफ यू सी, मतलब इट्स एज गुड एज एनी हॉलीवुड थ्रिलर, तो मतलब क्यों नहीं, बिल्कुल। अब यार फिलहाल तो मैं हिंदुस्तान में बना रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं, मतलब कोई स्क्रिप्ट होगी और कोई ऐसा होगा तो जरूर बना। अब तो आप लोग पूरा लपेट रहे और बात किया, हाँ टाइम है, चलो चलो। ब्रिलियंट शशि कपूर साहब जो हैं, अगर सिनेमा के आदमी हैं, बहुत बहुत खूबसूरत आदमी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको बहुत अंडररेट किया गया है, क्योंकि जिस ज़माने में वो एक्टिंग करते थे उस ज़माने में थोड़ा सा एक लाउड एक्टिंग का ज़्यादा चलन था, और वो 58 से एक्टिंग कर रहे हैं, तो और उन्होंने पहले एक्टर हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से बाहर कामयाबी पाई है, उन्होंने इस्माइल मर्चेंट के साथ जो उनकी एक कोलैबोरेशन था हाउस होल्डर, उसके पहले प्रिटी पॉली वॉज द फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म, ब्रिटिश फिल्म इन विच एन इंडियन एक्टर एक्टेड इन अ फुल फ्लेज्ड रोल। अपना पैसा जो है उन्होंने वहाँ लगाया जहाँ उनकी बिलीफ थी, तो कई लोग बात करते हैं अच्छे सिनेमा के, शशि कपूर ने एक्चुअली वो बनाया, कलयुग, जुनून, उत्सव, विजेता, ये सारी फिल्में उन्होंने खुद प्रोड्यूस की, 36 चौरंगी लेन जैसी खूबसूरत फिल्म उन्होंने बनाई अपना पैसा लगा के, और जो पैशन उनका सिनेमा के बारे में, ऐसे लोग अब बहुत कम है हिंदुस्तान में जो, और उस तरह के लोग हमारी इंडस्ट्री में जो अपना, अंग्रेजी में कहते हैं ना पुट योर नेक ऑन द लाइन, वो हर चीज़ अपना गिरवी लगा के, और ये उनकी खानदान का ट्रेडिशन है, राज कपूर साहब का ट्रेडिशन है, तो उनको जो अवार्ड मिल रहा है वो एक तरह से उस ट्रेडिशन को भी अवार्ड मिल रहा है, पृथ्वीराज कपूर को भी साथ में अवार्ड मिल रहा है जो उनके वालिद हैं, तो उन्होंने थिएटर में काम किया, मतलब इतना पहली बार कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं शशि कपूर को, तो भारत रत्न मिलना बहुत, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज हॉट ऑफ इट, ब्रिलियंट चॉइस, ग्रेट मैन, मे ही लिव टू बी 100 एंड मे ही मेक मोर फिल्म्स, I think it's truly richly deserved.
बहुत दिन से वेट कर रहे हो? अच्छा, बहुत दिन से वेटिंग दिस से आई एम डेली डेली लुकिंग फॉरवर्ड. जब विनोद चोपड़ा सर ने कहा कि ऐसा फिल्म देखेंगे तो इस तरह की मैं फिल्म बनाई है और पहली बार बॉलीवुड में इसमें देखिए क्या रिएक्शन था. मैं एक्चुअली आई रियली वाज नोइंग कि जो सुना वही है क्या, मैंने इज इट लाइक दैट, आई मीन जो सुना है विच इज इट लाइक परिंदा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, देखने पड़ेगा. देखिए आई रियली एक्साइटेड, आई वेटिंग, आई वाज एनीवे वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. मुझे बहुत देर से सुन रहा हूँ उसके बारे में. व्हेन आई वाज देयर विद हिम आई वाज हियरिंग दिस थिंग. आर यू सिमिलर विद विनोद चोपड़ास फैन? व्हाट दैट, आर यू आल्सो विद विनोद चोपड़ास फैन? आई डोंट नो व्हेदर यू नो माय हिस्ट्री. आई स्टार्टेड विद हिम, लाइक ही इज द पर्सन हु गेव मी द ब्रेक. परिंदा वाज अंडर हिम. So he's more than fan. He's my god. नया ट्रेंड चालू किया है चोपड़ा जी के बॉलीवुड एक्टर के साथ में बॉलीवुड में चलने के लिए. हम आपको देखेंगे इन फ्यूचर या कोई इस तरह का इरादा? सर जानिए पीछे बोलिए. हम आपको इस तरह की फिल्में हॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ में करते हुए बॉलीवुड में देखेंगे कभी इन फ्यूचर? पता नहीं, कहानी में से आ जाए तो अल्ट्रा, आई डोंट नो. थैंक यू. लेफ्ट लेफ्ट सर, थोड़ा इधर जाओ, सामने लेफ्ट, मतलब सामने सामने.